ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। कामं आश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदन्विता मोहात गृहीत्वा असत गृहान प्रवतन्ते अशुचिव्रता। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते। तो हम लोग आसुरी लोगों के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं ऐसा कोई स्वभाव गुण विकसित ना हो जाए, अवगुण विकसित ना हो जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं, जो आसुरी लोग हैं, ये क्या करते हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर। तो यहाँ पर काम की बात करी जा रही है। अक्सर हम लोग जब भक्ति में लगते हैं या किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपने सुना होगा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है या? तो काम का आश्रय लेकर वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं। अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी ये काम है। हाँ, बहुत सारे काम आदमी को दिखते हैं ना, बहुत सारे आदमी को लगता है कि सिर्फ ये हरे कृष्णा वाले, ये खाली एक ही मात्र वेले लोग हैं दुनिया के अंदर, खाली हैं, फालतू हैं, बाकी सबके पास बहुत सारा काम है। ये बात सही है वास्तव में, क्योंकि हरे कृष्णा डिवोटीज काम नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये काम के दो मतलब हैं, एक तो है काम और एक है काम। मतलब कि एक हो गया कार्य और एक हो गया तृष्णा या लस्ट जिसको हम कहते हैं। यदि ये कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो इसको हम कर्म या कर्म योग कहते हैं। यदि ये कार्य अपनी संतुष्टि के लिए किया जाता है तो उसको हम काम या लस्ट भी कह सकते हैं, सकाम कर्म भी कर सकते हैं, और यही वास्तव में लस्ट भी बनता है, क्योंकि ये कार्य मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये उसकी हवस को और बढ़ा देता है, उसकी तृष्णा को और बढ़ाता चला जाता है। ये काम की खूबी है कि उसको हम जितना संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो उतना तेजी से और मांगता है। एक व्यक्ति अगर किसी गलत संबंध में पड़ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत संबंध फिर एक बार बनाता है, उसको पता है गलत है लेकिन उसने अवैध संबंध बनाया। अब वो मजबूरी की तरह मजबूर, उसका हाथ का खिलौना बन जाएगा और उसका मन और डिमांड करेगा, अब वो और मांगेगा, फिर वो उसको संतुष्ट करने का प्रयास, फिर वो और मांगेगा और इस प्रकार वो नीचे गिरता ही चला जाएगा। ये इस काम का नेचर है। ये संतुष्ट नहीं होता जब तक उस व्यक्ति को समाप्त ना कर दे, तब तक ये बिल्कुल चुप नहीं बैठता है। तो कभी भी इसलिए हमें इन कामों में बिजी नहीं रहना है, क्योंकि यही काम तो काम है यानी कि लस्ट है, और ये तीन हमारे शत्रु हैं, जो सबसे बड़े शत्रु हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु चाइना, रशिया, मेरा पड़ोसी, मेरा कुलीग नहीं है, मेरी सास या मेरी बहू नहीं है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है काम, क्रोध और लोभ, ऐसा गीता कहती है। तो हमारे शत्रु इसका मतलब इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। हमें अपने इन शत्रुओं से इंटरनल, यदि हमने इंटरनल शत्रुओं से लड़ाई लड़ ली, जीत गए, तो फिर एक्सटर्नल शत्रुओं से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कभी ना संतुष्ट होने वाले, तो भगवान बता रहे हैं इसका नेचर। जब हमें मालूम ही चल गया कि कई बार कहते ना ये रिश्तेदारों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते आप, जब पता चल जाता है तो आदमी समझ जाता है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं ये जो काम जिसमें हम बहुत बिजी हैं, जिन कामों में हम बिजी हैं, जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं लेकिन हम वेरी बिजी, तो ये जो काम है वास्तव में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, ये भगवान भी यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कभी जो चीज़ संतुष्टि नहीं देती वो हमेशा असंतुष्टि पैदा करती है। असंतुष्टि बड़ी बीमारी है, असंतुष्ट व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम आते हैं, वो शांत निष्काम। तो कृष्ण भक्त के क्या गुण हैं कि वो निष्काम है, यानी कि उसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर कृष्ण से स्वतंत्र उसकी कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण को संतुष्ट करना ही उसका कर्म है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं।
उसको हम यज्ञ कहते हैं, उसको हम कर्म योग कहते हैं, वही असली कर्म। बाकी सब काम है, बिल्कुल सही शब्द बनाया है, बाकी सब वास्तव में काम है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बिजी हैं, प्रभु जी बहुत बिजी हैं, आज वो सेवा है, हम ये कहते हैं। आज प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने की सेवा है, आप पब्लिक में प्रसाद बांटेंगे, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम नहीं है, काम तो अपनी संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। संसार में कई लोग अपनी संतुष्टि के लिए बांट रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उनके हृदय को मैंने आज प्रसाद बांटा। हम लोग जब बांटते हैं हम सोचते हैं इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हों, हमारे हमारे गुरुदेव प्रसन्न हों, ये हमारा कर्म है, कर्म योग है। ये अंतर है कर्म योग और काम में। काम कभी संतुष्ट नहीं होता है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, भगवान कह रहे हैं कभी ना संतुष्ट होने वाले। काम का आश्रय लेकर, इस काम का आश्रय लेते हैं, बच्चे को छोड़ना है, बच्चे को ये करना है, उसको वो करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। एक सज्जन से हमारी बात हो रही थी, वो बुजुर्ग थे और वो ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि कैसे करें, घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुरानी खाना नहीं बनाती है, एकादशी में नहीं बनाती है, या ऐसा है। तो हमने उनको कुछ सजेशन दिया, ऐसा कर लीजिए, ऐसा करिए, कह रहे नहीं प्रैक्टिकल नहीं है, ये वाला भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये वाला भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो कौन सा प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल कोई चीज़ होती है क्या? क्या इस्कॉन का बनना प्रैक्टिकल था? अगर हम जाते हैं 1965 या उसके पीछे, तो कोई ऐसी घटना दिखती नहीं है कि कोई ऐसी फेवरेबल घटनाएं हो रही थी कि ये इस्कॉन खड़ा हो जाता। नथिंग इज़ प्रैक्टिकल, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, बट एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। हाँ, तो इसलिए क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं, हम ये नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि करना क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम अपना प्रयास करते हैं, हम अपना एक कदम बढ़ाते हैं और उसके बाद भगवान हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें हमें इस बहाने का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि एक झटके में सारा काम समाप्त हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा एक झटके में। या तो हम कभी अचानक से अपंग हो जाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति था जिसको यात्रा में जाने की बात कर रही थी, अभी सच्ची घटना है। तो यात्रा में जाना था, उसने वही बोला कि बहुत काम है, नहीं पॉसिबल है, छुट्टी में ले लो, छुट्टी नहीं मिल पाई, बहुत काम है। काम का आश्रय लिया, यात्रा गई, यात्रा से वापस आए, लोगों ने पूछा हाँ जी सही रहा, कैसा रहा आपका, काम निबट गया जो आप जिसके लिए बड़े चिंतित थे? उसने कहा क्या बताऊँ यार, इतना तेज बुखार आ गया कि 3 दिन से छुट्टी पे बैठा हूँ। अब बताइए, अभी तो छुट्टी ली। तो कहने का मतलब है कि संसार के काम कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हमारा काम तमाम हो जाए इससे पहले हम भगवान के लिए काम या कर्म योग करना शुरू कर दें, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। तो कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेते हैं और इसी में गर्वान्वित होते हैं, तथा गर्व के साथ, मद के साथ, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए। यस, दिस इज अनदर नेचर ऑफ दिस आसुरीज पीपल, दैट कि जो ये काम में बिजी होते हैं, ये काम में जो बिजीनेस है, ये इनका एक गर्व है। आप देखेंगे ऑफिस के अंदर कहीं पर भी आदमी ऐसा चाल चलता है जैसे कि वो सबसे बिजी व्यक्ति है दुनिया का, चाहे बिजी हो या ना हो। हाँ, आदमी बिजी रहने का प्रयास करता है, और बिजी रहना दिखना अपने आप में एक गर्व की बात है। आज की डेट में क्या कर रहे हैं आप? हरे हरे कृष्णा, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत बिजी हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। दिस इज़ अ स्टाइल, ये स्टाइल स्टेटमेंट है कि मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे बात करते हैं। हर आदमी बहुत बिजी है। मैं एक बार पढ़ रहा था कहीं पर, बहुत साल पहले अखबार में भी बड़ी हंसी आई, पढ़ के एक आर्टिकल था छोटा सा, बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो उसमें लग रहे थे कि इंडियन पॉपुलेशन में अधिकतर दे आर वेरी बिजी। उसका एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो कि रेलवे फाटक लगा हुआ है, और रेलवे फाटक आपने देखा होगा गिर रहा है ऐसे धीरे धीरे, अब वो आ रहा है साइकिल पे। उसने कहा तेज करी, रुको रुको रुको, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उस फाटक नीचे गिर ही गया, लेकिन उसके इरादे जो थे ना, उसको किसी जगह पर बहुत जल्दी पहुंचना था, ही वॉज वेरी बिजी, उसको बहुत जल्दी पहुंचना था, और फाटक लग गया। अब क्या करें? उसने साइकिल को नीचे लेटाया, फाटक के नीचे लेटा, नीचे लेट के साइकिल को घसीटा। हाँ, उधर से ट्रेन आ रही थी, अब क्या करें? वो भागा किसी तरीके से उसको उठा के, और भागा और उधर के उधर वाले बैरियर से नीचे निकाला, और क्या हो गया, अपने गंतव्य में पहुंच गया। कौन सा गंतव्य था उसका? उसका गंतव्य था बैरियर के किनारे में एक पान की दुकान थी जहाँ उसको बीड़ी पीनी थी।
ही वॉज वेरी बिजी इन रीचिंग द डेस्टिनेशन विच वॉज बीड़ी की दुकान। उसमें उसने आराम से बैठ के 5 मिनट तक बीड़ी का सुट्टा लगाया। मतलब ये है समस्या, ऐसे होते हैं एक्सीडेंट। एनी वे वो एक्सीडेंट के ऊपर था, लेकिन हम इससे ये सीख सकते हैं कि हम भी इसी प्रकार से कुछ हासिल करने में बिजी हैं, लेकिन वो कितना इम्पोर्टेंट है वास्तव में हमारे जीवन के लिए हम भी नहीं जानते। और जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है उन रिश्तों को, भगवान के साथ हमारा रिश्ता, गुरु के साथ हमारा रिश्ता, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हमारी इन्वेस्टमेंट ना जाने कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में हो जा रही है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन डूइंग काम, तो दे आर वेरी बिजी एंड दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट कि हम बड़े बिजी हैं। तो झूठे इस प्रकार के गर्व जो है काम का आश्रय लेकर गर्व के मद में हम मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं ये लोग। इनको जैसे इसलिए प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा कि द नंबर वन डिजीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज नो टाइम, वी डोंट हैव एनी टाइम। जब करेंगे आप समय नहीं, किताब पढ़ेंगे आप समय नहीं। इसलिए हमने लेक्चरों को छोटा करा, कहाँ पर भागवतम 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस, उसके बाद हमारे इस्कॉन के लेक्चर 2 घंटा, उसके बाद 1 घंटा, आधा घंटा, अब 15 मिनट भगवद गीता, 15 मिनट भागवतम। अब 15 मिनट भी ना सुने, 1 मिनट का शॉर्ट, क्या करें इससे कम? बड़ा मुश्किल हो जाता है 1 मिनट में कुछ बताना, बट क्या करें, देर इज़ नो टाइम। आज मेरे को एक सज्जन फ़ोन कर रहे थे कि आप 1 मिनट में बहुत कुछ बता देते हैं, इसको स्लो कैसे करें? मैंने कहा स्लो नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, क्या करें। मैं तो बता रहा हूँ बड़े आराम से, यहाँ भाग नहीं रहे हम, बड़े आराम से बता रहे हैं, एक ही टॉपिक को 15 मिनट तक बताए जा रहे हैं, बट पीपल डोंट हैव टाइम बिकॉज दे आर बिजी इन द वर्क, जिसको हम काम कहते हैं। तो ये हम सबको सोचना है कि जिन चीज़ों में बिजी हूँ मैं, क्या वाकई में मुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला पाएंगी ये वस्तुएं मुझे? क्या मेरी मृत्यु के बाद ये चीज़ें काम आ पाएंगी मुझे? लेकिन यदि भगवान के लिए कर्म किया, कर्म योग किया, यज्ञ किया, तो वास्तव में हमें काम आएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हम झूठी प्रतिष्ठा में डूबे हैं कि आई एम अ बिजी मैन, आई एम वेरी बिजी, देर आर लॉट ऑफ कॉल्स, हमेशा कॉल आ रही है इधर से उधर से, हेलो आए उधर से, बिजनेस है उधर से, ये वो आ रहा है उधर से, वो आ रहा है, जानने वाले बहुत सारे हैं, पहचान वाले बहुत सारे हैं, भाई भतीजा फ्रेंड्स रिश्तेदार पार्टी, ये वो काम ही काम है। तो इस तरह के आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। पर भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिए कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपवित्र कर्म का व्रत लिए है। यानी कि जो मेरे मिशन है कि कंपनी को इतने साल में यहाँ पर लेके चला जाऊँगा, मैं इतनी इनकम कमाने लग जाऊँगा, मैं लोन फ्री हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं एक घर ले लूँगा, मैं एक कार ले लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भगवान तो कह रहे हैं अपवित्र कर्म का व्रत है। ये क्षणभंगुर वस्तु है, वास्तव में क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, इसी जीवन में ही नहीं है, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाता है, आग लग जाती है, या धोखा हो जाता है, वट एवर, बहुत कुछ होता रहता है, नहीं तो जीवन के बाद तो है ही नहीं। तो क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, व्रत लेते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, रात को लेट घर में आते हैं, सवेरे जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी बिजी, लेकिन ये सब अपवित्र कर्म है, क्योंकि इसमें ईश्वर के संतुष्टि के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और सारा सामान, सारी व्यवस्था, ये शरीर, ये मन बुद्धि अहंकार, ये हवा पानी, हर चीज़ भगवान का दिया है, लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए ना कोई सोच है ना कोई कार्य है, इसलिए ये सब अपवित्र व्रत हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है, वो आर वेरी बिजी इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, इग्नोरिंग द परमात्मा, द सुप्रीम पर्सनलिटी गॉड एट कृष्णा। तो आइए हम अपने कामों को रीडिज़ाइन करें, रीप्रायोरिटाइज करें, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य हो जाए, हर काम को कैसे कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।